हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को बताशा और घी एक साथ खाने के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। पूजा पाठ के बाद प्रसाद के तौर पर बताशे बांटने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं बताशा का उपयोग न सिर्फ प्रसाद के तौर पर किया जाता है बल्कि बताशा सेहत को भी काफ़ी लाभ पहुँचाता है। जी हाँ, अगर आप बताशे का घी के साथ सेवन करते हैं तो ये सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं, क्योंकि बताशा और घी दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इस मिश्रण में गुड फैट मौजूद होता है। बताशा और घी का एक साथ सेवन करने से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो आइए जानते हैं बताशा और घी एक साथ खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो आपको बताशे और घी के मिश्रण का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस मिश्रण का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है जिससे वजन कम करने में फ़ायदा मिलता है। बताशा और घी पोषक तत्वों का खजाना होते हैं, इसलिए अगर आप इस मिश्रण का सेवन करते हैं तो इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है जिससे आप वायरस और बैक्टीरिया से सुरक्षित रह सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, लेकिन अगर ऐसे में आप बताशा और घी का एक साथ सेवन करते हैं तो ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस मिश्रण में मौजूद तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मदद करते हैं। पाचन स्वास्थ्य के लिए बताशे और घी का मिश्रण का सेवन फायदेमंद होता है, क्योंकि इस मिश्रण में मौजूद तत्व पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाते हैं और पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करते हैं। बताशा और घी के मिश्रण का सेवन मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि देसी घी में बताशा मिलाकर खाने से सोचने और याद रखने की शक्ति बढ़ती है जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बदलते मौसम की वजह से कफ की समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप कफ की समस्या से परेशान हैं तो आपको बताशे में घी मिलाकर सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस मिश्रण के सेवन से कफ की समस्या में फ़ायदा पहुँचता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।